मराठा आरक्षण को लेकर पिछले 17 दिनों से मनोज जरांगे पाटिल भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस भूख हड़ताल के कारण पूरे महाराष्ट्र में सरकार का जमकर विरोध हो रहा है। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 40 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है और मुख्यमंत्री शिंदे ने भूख हड़ताल का समाधान करते हुए जरांगे पाटिल को जूस पिलाया और मराठा समुदाय की मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया है। आमरण अनशन आंदोलन चल रहा है। आज 15-16 दिन हो गए, ये बहुत लंबा आंदोलन है और आज हमने निवेदन किया, गुजारिश की कि अपनी तबीयत का ख्याल रखना है और इसलिए मैं खुद यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री के नाते हमारे सभी मंत्री यहाँ पर आए और उनको शरबत पिलाकर वो अनशन छोड़ने की विनती की और वो उन्होंने मानने की, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात, मराठा समाज का रिजर्वेशन देना ये सरकार की जिम्मेदारी है जो हमने देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में पूरी की थी। हाईकोर्ट में कन्फर्म हुआ था बल्कि सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब उसे हम फिर रिस्टोर करेंगे और मराठा समाज को आरक्षण देंगे और मनोज जरांगे पाटिल जी की जो दूसरी मांग है उसके लिए जस्टिस शिंदे कमेटी अपॉइंट गठित कर दी है।